गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करने जा रहे हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के। इसमें टोयोटा फॉर्च्यूनर तो इसमें प्रॉब्लम है सस्पेंशन की। सस्पेंशन इसका जो है वो ख़राब हो चुका है, तो उसमें आवाज़ आती है गड़र 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 की आवाज़ आती है, गट 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 की आवाज़ आती है जो आगे से। तो उसमें आपको दिखाएंगे सस्पेंशन में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो पहले सस्पेंशन चेक करेंगे एक एक चीज़ खोल के, फिर आपको दिखाएंगे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक, आपको दिखा दें क्या क्या खुलता है इसमें सस्पेंशन में। देख सकते हो आप, बिल्कुल सोकर ख़राब हो रखा है इसका बुश। और ये ऊपर का इसकी जो किट होती है वो किट भी ख़राब हो रखी है। तो हम इसका पूरा सोकर ही चेंज कर देंगे, तो सोकर चेंज होगा कंप्लीट। पूरा बुश ख़राब है और ऊपर की किट भी ख़राब है, तो ये दोनों पूरे सोकर ही चेंज कर देंगे। और इसका हम खोलेंगे बाल जॉइंट। तो सबसे पहले हम इसका खोलेंगे एक एंड, ये एंड होता है इसकी लॉक होती है, इसको लॉक हम निकाल देंगे। इसको लॉक को निकाल के नट खोल के हम, तो इसको हम एंड बाहर निकालेंगे, इसको नीचे से ठोक के नीचे निकाल देंगे। फिर बाल जॉइंट खोलेंगे, आपको दिखाएंगे बाल जॉइंट कहाँ पर होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका खोलेंगे एंड, तो प्लास से इसकी लॉक निकाल के फिर इसको हम बाहर निकाल देंगे, फिर आपको दिखाएंगे एंड बाहर निकाल के आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे। ठीक, देख सकते हो मैंने एंड निकाल दिया यहाँ पर, और आपको दिखा दें इसका बाल जॉइंट खोलने जा रहा है। इसमें बाल जॉइंट में पिले हैं, ये एक लॉक होती है यहाँ पर, ये लॉक हम सीधी करके इसको पाइप रिंच से हम खोल लेंगे। पाइप से खोल के इसको बाल जॉइंट को साइड में कर देंगे। आपको दिखा दें 14 नंबर के सोकर के नट होते हैं, ये 14 नंबर के तीन सोकर के नट होते हैं, एक दो और ये पीछे तीन लगा है। इसको खोल देंगे, इसको हम साइड में तीनों नट खोल के फिर आपको 19 नंबर का नट बोल्ट खोल के इसको सोकर बाहर निकालेंगे। ये दोनों इतना सामान बाहर निकालने के बाद फिर आपको दिखाएंगे। ठीक, क्या क्या होता है देख लो आप, यहाँ पर होता है देख सकते हो कितनी बुरी तरीके से ख़राब हो रखा है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये। ये सस्पेंशन है इसका टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो अभी हम खोलने जा रहे हैं, खोल के फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे। मैंने इसका सोकर खोल दिया है, ये इसका सोकर है, और लिंक रोड इसमें ख़राब लिख रही है। हमने सस्पेंशन भी चेक ही कर रहे थे, तो हमने लिंक रोड ख़राब लिख रही है, तो लिंक रोड ख़राब लिख रही है, तो लिंक रोड अभी इसमें चेंज करेंगे। ये सोकर हो गया, लिंक रोड बॉल जॉइंट एक साइड का इतना ख़राब लिख रहा है। तो देख सकते हो सस्पेंशन में सोकर बड़ी दिक्कत से निकलती है भाई। तो सोकर में निकाल लिए, और अब इसको हम सोकर डालेंगे। ये स्प्रिंग तो ये रहेगा, सोकर पड़ेगा इसका सिर्फ। सोकर में देख सकते हो कितनी बुरी तरीके से ख़राब हो रखा है, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो कहाँ से कहाँ बीच में होता है और यहाँ पर आ गया है, जो ख़त्म हो रखा है, लीक भी कर रहा है सोकर। तो सोकर हम इसको सोकर चेंज कर देंगे। उधर का बुश चेंज करना है इसका, नीचे का सोकर का ख़राब रखा है, और बाल जॉइंट लिंक रोड। अब इसको जितना इधर का खोला है उधर सस्पेंशन चेक करना है, सोकर तो खोलना है, बाल जॉइंट खोलना है, सस्पेंशन सिर्फ चेक करना है। उस साइड का ख़राब दिख रहेगा, तो उस साइड का भी हम खोल लेंगे, फिर हम एक एक चीज़ खोलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ठीक, देख सकते हो अब इतना खुल जाता है इसमें। तो अभी हम उधर उस साइड की फिटिंग खोलने जा रहे हैं, फिर अभी आपको दिखाएंगे। तो अब बुरी तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो रखा है सोकर का बुश। तो हम सोकर खोलेंगे, लिंक रोड चेक करेंगे, और ऊपर का चिमटा चेक करेंगे, और बाल जॉइंट तो चेंज ही करेंगे। तो इसमें 3-14 नंबर के इसमें सोकर वाले बोल्ट खुल जाते हैं, एक 19 नंबर का इसमें लगता है, इसको चेक करेंगे। लिंक रोड को 19 नंबर का है, और 19 नंबर का नट बोल्ट ये है, और 19 नंबर का ये है एंड का। तो इस इतना हम खोल के बाल जॉइंट खोल देंगे, लिंक रोड खोल देंगे, और चिमटा खोल के सोकर खोल के बाहर निकाल देंगे, फिर आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या होता है। ठीक, 14 नंबर का इसमें तीन नट लगते हैं, तीन नट खोले जाते हैं, ऊपर का बोल्ट नहीं, नट नहीं खोला जाता, नहीं तो स्प्रिंग दिक्कत आ जाएगी आपको बहुत ज़्यादा। ये नहीं खोला जाता, तीन नट खोले जाते हैं सिर्फ। ठीक, इसको हम तरफ खोल के फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे। ठीक, देख सकते हो आप, ये देख सकते हो हमने लिंक रोड खोल दिया है, लिंक रोड में पिले है बहुत ज़्यादा, देख सकते हो बिल्कुल लूज है, बिल्कुल लूज ख़त्म। तो ये लिंक रोड बदली जाएगी, चिमटा चेक करने जा रहे हैं, लिंक रोड को बाल जॉइंट खोले दे रहे हैं यहाँ पर से। तो बाल जॉइंट एक लॉक होती है, लॉक को हटा के बाल जॉइंट खोल देंगे, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे। ठीक, बाल जॉइंट खोल देंगे, इसका हम सोकर बाहर निकाल ही लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ठीक, और इसमें क्या क्या होता है। ठीक, देख सकते हो, आपको दिखा दे इसमें क्या क्या कटा है। पहला तो लिंक रोड ख़राब है, लिंक रोड ख़राब है इसका, बॉल जॉइंट ख़राब है, एंड बदला जाएगा, और सोकर इसका लीक था, तो
साला सोकर लीक है, हटा इसको। सोकर हो गया, वाल जॉइंट हो गया, एंड हो गया, लिंग रोड हो गया, और इसमें सही है। ऊपर का चिमटा भी टाइट था, मैं देख लिया था टाइट है। और नीचे का ये गोली, चिमटे की इसमें गोली पड़ती है, ऊपर में गोली पड़ती है, इसमें लॉक पड़ती है। इनोवा की तरह है, उसमें भी गोली पड़ जाती है, इसमें भी गोली पड़ जाती है। बुश इसके सही हैं, जंपे रोड के बुश भी सही हैं इसके। तो हमको क्या क्या बदलना है, सिर्फ ये सोकर बदलना है इसका। देख लो सोकर की हालत, बुश की सोकर की बुश की हालत देखो, बिल्कुल ख़त्म रखा है। तो ये सोकर चेंज होगा, सोकर लीक है, दोनों साइड के दोनों सोकर चेंज हो गए, एंड वाल जॉइंट, लिंक रोड दोनों चेंज होंगी। तो इसको हम फिट करने जा रहे हैं, फिर आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या किस तरीके से फिट होता, समझाएंगे ए टू जेड। ठीक, लगाने जा रहे हैं इसका वाल जॉइंट। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने साफ़ कर लिया, और इसकी लॉक होती है, ये जो खाँचा होते हैं वो इस वाले खाँचे में फंसते हैं इस तरीके से यहाँ पर ही, और इसमें फंस जाते हैं, और ये जो पत्ती होती है वो वाल जॉइंट में लग जाती है यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर कटवाएं, ये बेंड करके हो जाती है, क्योंकि ये बाल जॉइंट ना खुले। तो ये बाल जॉइंट हो गया नया, और ये एंड बाल जॉइंट, पहले बाल जॉइंट लगाएंगे, फिर इसका बूट निकाल के बूट इसमें डालेंगे, लगा के बूट, फिर एंड लगा देंगे, फिर आगे फिटिंग दिखाई। पहले हम बाल जॉइंट लगा लें, फिर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगाया जाएगा पूरी। हमने इसका बाल जॉइंट टाइट कर दिया है, पाइप रिंच से हमने टाइट करा है। तो इसको हम अब बाल जॉइंट को लॉक करेंगे। ये पत्ती होती है, हमने आपको पहले बताया था, ये पत्ती इस साइड में लगा देंगे, बेंड कर देंगे, ठोक देंगे इधर, तो ये लॉक हो जाएगा। तो इसको लगा के फिर इसमें हम कवर लगाएंगे, इसका बूट लगाएंगे, इसको लॉक करके फिर इसमें बूट लगाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ठीक, बूट और एंड लगाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ठीक, अब इसका हम बूट लगाने जा रहे हैं। इसका बूट है, हमने साफ कर लिया, खोल लिया था उसमें से, उसको हम बूट लगाएंगे। थोड़ी सी स्टेयरिंग कटेगी, स्टेयरिंग काट के बूट लगा दिया है। अब इसकी मिलते हैं टाई बेल्ट लगा देंगे, तो टाई बेल्ट यहाँ पर लगा देंगे, तो बूट निकलेगा नहीं। लेकिन इन्होंने बूट लगा दिया है, और तो बाल जॉइंट वो बूट हमने लगा दिया है, तो इसकी क्लंप भी लगा, और हमने एंड भी लगा दिया है, जैसे देख सकते हो ये वाला एंड है, और इसका लगा दिया है। ओके, और इसका आप सोकर लगाने जा रहे हैं। ये इसका सोकर है, ये इसका पुराना सोकर है, और इसका नया वाला सोकर हमने फिट कर दिया। देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से कट गया है सोकर, यहाँ पर से ख़त्म है बिल्कुल, टूट ही जाता। तो हमने सोकर चेंज कर दिया है, ये इसका सोकर है, अभी फिट कर देंगे। 14 नंबर के इसमें नट लगते हैं, और एक 19 नंबर का नट बोल्ट लगता है, एक यहाँ पर लगता है, तीन यहाँ पर लगते हैं नट बोल्ट। तो इसमें तीनों नट बोल्ट टाइट करके फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे। ठीक, सोकर टाइट करके फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे। मैंने सोकर फिट कर दिया है, 19 नंबर का नट बोल्ट टाइट कर दिया है, और ये ओके टाइट कर दिए मैंने 14 नंबर के तीनों बोल्ट। अब इसमें फिटिंग मार दे रहे सारी, देखो एक यहाँ पर लगता है, बाल जो वो गोली लगती है, तो इसको लगा देंगे हम। चिमटा यहाँ पर लगता है नक्कल में, और ये पत्ती लगती है, देख सकते हो जो इसमें ब्रिक का पाइप होता है, ये भी इसका होता है, वो इसमें नक्कल में ही लगती है। और एंड का हम लगा देंगे, और लिंक रोड बुनने डालेंगे, तो ने हम ला के लगा देंगे, फिर आगे ये फिटिंग आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हो, अब हम इसका लगाने जा रहे हैं लिंक रोड। ये लिंक रोड है, ये इधर लगता है इस साइड से इस तरीके से, और एक ये देखिए, ये लिंक रोड इस साइड लग जाएगा, और एक इधर ये बैलेंस रोड में लग जाएगा। तो हम दोनों नट लगा देंगे, और यहीं पर वीडियो को साफ करते हैं। पूरा सस्पेंशन हो गया, इसी तरीके से हम उस साइड का भी फिट कर देंगे, इसी तरीके से फिट कर देंगे। तो वीडियो को यहीं पर साफ करते हैं। ओके, इस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताना वीडियो किस कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।